सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। हाय, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक गुरु यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं यूबंटू ट्रेनिंग के बिगनर टू एडवांस सेशन में। आज का सेशन है हमारा इंस्टॉलेशन यूबंटू, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है यूबंटू का वो हम इंस्टॉल करेंगे। जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो है 20.04 और हम इसको इंस्टॉल करेंगे वीएमवेयर वर्क स्टेशन में, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअल मशीन के बारे में। तो हमारी एक वर्चुअल मशीन है वीएमवेयर वर्क स्टेशन। तो चलिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो मैं आपको बता देता हूँ आज का एजेंडा क्या है हमारा। आज का एजेंडा है हमारा यहाँ पर, आज हम सीखेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वीएमवेयर। डाउनलोड करना सीखेंगे वीएमवेयर वर्क स्टेशन प्रो को और इंस्टॉल करना सीखेंगे किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, और डाउनलोड करना सीखेंगे यूबंटू की इमेज फाइल को, किस तरीके से यूबंटू की इमेज फाइल को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे हम इसको इंस्टॉल करना, हाउ टू इंस्टॉल यूबंटू लिनक्स वीएमवेयर वर्क स्टेशन के अंदर किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं यूबंटू को, और जानेंगे वीएमवेयर नेटवर्क अडाप्टर के बारे में, ब्रिज अडाप्टर और नेट अडाप्टर होस्ट ओनली के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस तरीके से वीएमवेयर वर्क स्टेशन को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो आपको अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लेना है। मेरा यहाँ पर फेवरेट ब्राउजर है क्रोम, तो मैं यहाँ इसको क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। मैंने क्रोम को ओपन कर लिया और आपको यहाँ सर्च करना है वीएमवेयर, और जैसे ही आप यहाँ पर वीएमवेयर लिखेंगे तो आपके सामने ये सर्च हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, सॉरी ये कुछ वीएमवेयर मेरे को सर्च करना था, ये वीएमवेयर मैंने सर्च किया और देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक मिल जाएगा www.vmware.com का, और इस फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते ही आप वीएमवेयर वर्क स्टेशन की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड। डाउनलोड पर आप लेकर आएंगे कर्सर को और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे डाउनलोड में तीन टाइप के, आपको यहाँ से करना है, या तो आप वीएमवेयर प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। फ्री हमारे पास ये है, हमें करना है यहाँ पर वीएमवेयर वर्क स्टेशन प्रो, तो हमें यहाँ पर जाना होगा फ्री प्रोडक्ट ट्रायल एंड डेमोज पे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीएमवेयर वर्क स्टेशन प्रो। ये हमारा वर्क स्टेशन प्रो है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये आपके डाउनलोड के लिए पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारा यहाँ पर। यदि आप पुराना लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप पुराना भी चेंज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा वीएमवेयर वर्क स्टेशन प्रो। तो जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद यहाँ से आप इसको लिनक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप लिनक्स का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और मैं यहाँ विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ विंडो का लूँगा, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है कि आपको इसके ऊपर दो बार क्लिक करना है। दो बार क्लिक करने के बाद आपको इस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट यूबंटू की इमेज फाइल डाउनलोड। किस तरीके से आप यूबंटू को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यूबंटू.com, इसकी वेबसाइट है और ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है यूबंटू की। तो देखिए सर्च करते हैं, यहाँ यूबंटू की ऑफिशियली साइट ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ डाउनलोड पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूबंटू डेस्कटॉप, तो आपको यहाँ से यूबंटू डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यदि आप डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें। यहाँ से आप 20.04 LTS लेंगे और इसको यहाँ से क्लिक करते हैं डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हो जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने इनको डाउनलोड कर लिया, आपको अब क्या करना है, आपको
आपको अपना VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर लिया हो तो आपको उसको ओपन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से उसको ओपन, दो बार क्लिक करेंगे तो आपको वो ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ ओपन करके रखा है, मैंने इसको ओपन कर लिया। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने पीसी के अंदर जो भी वर्चुअलाइजेशन है उसको अनेबल करना है। वो कैसे होगा कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपने पीसी को वहाँ बायोस पे जाना है, बायोस की के बारे में जानना है। बायोस की के बारे में जानने के बाद आपको सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको जो भी आपकी बायोस की होगी, आपको पीसी को ऑफ करने के बाद में बायोस की प्रेस करेंगे तो आपकी बायोस की आ जाएगी। बायोस मेन्यू पे जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि वो की को प्रेस करना है और आपको वहाँ पर सिक्योरिटी पे जाना है। वर्चुअलाइजेशन मिलेगा, वहाँ डिसेबल हुआ होगा तो आपको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपको अपना VMware वर्क स्टेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा पॉपअप आएगा जिससे कि आपकी वर्चुअलाइजेशन ऑन हो जाएगी, आप अपने पीसी में दूसरी मशीन को भी यूज़ कर पाएंगे। तो आपको यहाँ से क्रिएट न्यू मशीन पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू मशीन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद इस पे आपको टर्म यहाँ पर क्लिक करना है, फर्स्ट पर ही रहना है। कस्टमाइज आपको नहीं, कस्टम एडवांस पर नहीं करना, यहाँ पर रैंडमली आपको यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर यहाँ पर चेक करना है, या फिर आप यहाँ से इंस्टॉलेशन डिस्क इमेज फाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, ब्राउज करना होगा जहाँ पर आपने आपकी इमेज फाइल यूबंटू की डाउनलोड करके रखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ से ubuntu.com से उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको चूज कर लेता हूँ कहाँ पर रखूँ। मैंने यहाँ पे अपनी, सॉरी, ये रही मेरी यूबंटू 20.04 डेस्कटॉप, और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फुल नेम आएगा, फुल नेम आपको देना है यहाँ से। यूबंटू दे दिया मैंने यहाँ पर यूबंटू, और इसका यूज़र नेम भी मैं दे देता हूँ यूबंटू। और उसके बाद यहाँ पर देना है आपको पासवर्ड, आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, मैं यहाँ दे देता हूँ पासवर्ड। और आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। सो ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर आई विल इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर्स पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से लिनक्स पर क्लिक करना है। लिनक्स पर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पर वर्जन आ जाएगा यूबंटू। यहाँ से आप 32 बिट यूज़ कर रहे हैं तो यूबंटू चूज़ करें, या 64 बिट यूज़ कर रहे हैं तो यूबंटू 64 बिट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी वर्चुअल मशीन का नेम देना है, जैसे कि मैं यहाँ यूबंटू ही रहने देता हूँ और यूबंटू के सामने लिख देता हूँ 20.04 लिख दिया मैंने। और आपको यहाँ पर लोकेशन देनी है जहाँ पर इस वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना है, यानी कि ब्राउज करनी है लोकेशन अपनी। मैं अपने वर्चुअल मशीन को कहाँ पर रखना चाहता हूँ, अपने डी ड्राइव में। और मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है यूबंटू का, और मैं इसके अंदर इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से किया और इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक्सिमम, यानी कि 20 GB तो इसको चाहिए कम से कम। मैंने आपको बताया था कि 25 GB आपको इसको देना है, मैंने यहाँ इसको 25 GB दे दिया। 25 GB देने के बाद आपको यहाँ पर स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल पर क्लिक करना है, यदि आप एक ही फाइल में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, या आप इसको मल्टीपल फाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सेकंड स्टेप भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सेकंड स्टेप चूज़ नहीं करना। यहाँ पर इसको चेक करेंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा, रेडी हो गई आपकी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेडी टू क्लिक
क्रिएट वर्चुअल मशीन। आपको यहाँ कस्टमाइज हार्डवेयर पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ आपकी रैम दिख रही है। रैम को आपको यहाँ पर 2 GB मिली हुई है, ठीक है, आपको रैम चेंज नहीं करनी। प्रोसेसर आपको यहाँ से प्रोसेसर नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको 2 कर लेने हैं, नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर आपको 2 कर लेने हैं। और यहाँ पर आपको नेटवर्क अडेप्टर के बारे में मैंने बताया था कि बताना है, तो मैं आपको यहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर नेट डिफ़ॉल्ट है, तो नेट हमारा क्या है कि नेट जैसे कि हमारे सिस्टम से एकदम कनेक्ट रहेगा। जैसे कि हमारे सिस्टम, मेरी होस्ट मशीन विंडो है, विंडो में नेट चल रहा है, तो वहाँ पर तो हमारी नेट के द्वारा इस नेट के द्वारा कनेक्ट होने के बाद यहाँ से हमारा नेट इस मशीन में भी चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस नेट अडेप्टर के द्वारा क्या होता है, जैसे हमारी होस्ट मशीन की आईपी एड्रेस है और इस मशीन का आईपी एड्रेस है, तो ये दोनों बहुत ही अलग हो गए। यानी कि हमारी होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस अलग होगा और इस मशीन का आईपी एड्रेस अलग होगा। और ब्रिज में क्या होता है कि जिस तरीके से आपकी होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस है, उसी टाइप का आपको सिमिलर उसी टाइप का मिलेगा आईपी एड्रेस इस होस्ट मशीन पे। और यहाँ पर 3 आपका मिलता है होस्ट ओनली, यानी कि आप अपनी वर्चुअल मशीन से ही मतलब रखना चाहते हैं, यदि बाहर के इन्वायरमेंट से मतलब नहीं रखना चाहते। यानी कि आप अपनी होस्ट मशीन के साथ कोई भी फाइल शेयरिंग, नेटवर्क शेयरिंग नहीं करना चाहते, तो आप होस्ट ओनली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं नेट ही रखूँगा कि नेट सबसे बेस्ट है, और मैंने इसको नेट किया और यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको फिनिश मशीन पर कनेक्ट कर देना है। फिनिश करने के बाद आपकी यहाँ पर मशीन बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऐसे एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको सीडी डीवीडी क्लिक करना है और यहाँ पर यूज ASO इमेज फाइल चूज करनी है जो उनसे आपने डाउनलोड की हुई है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं यहाँ से गया बाहर और मैंने रखी हुई है डी ड्राइव पर। डी ड्राइव के बाद यहाँ पर मैं इसको चूज कर लेता हूँ और मैं जहाँ पर रखे मैं उस फाइल को चूज कर लेता हूँ, इमेज फाइल को। देखिए मैंने यहाँ पर रखी और मैंने इसको दोबारा से चूज कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपका ये बिल्कुल तैयार हो चुका है वर्चुअल मशीन बूट होने के लिए। आपको यहाँ पर पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, यानी कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्चुअल मशीन एकदम रन हो जाएगी। तो देखिए आपके वीएमवेयर वर्क स्टेशन के अंदर ये वर्चुअल मशीन एकदम इंस्टॉल होने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम लगने वाला है। आप यहाँ देखिए हमारी वर्चुअल मशीन एकदम बूट होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर इसकी फाइलें बूट हो रही है और चेक कर रही है, चेक डिस्क कर रही है। यहाँ पर हमारी ये यहाँ पर शरी परमिशंस देगी इसको। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्कुल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअल मशीन की अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए। तो ये फटाक से बस होने ही वाला है, 2 या 3 मिनट का इसमें टाइम लगने वाला है आपको। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए हो गया, चेक फिनिश्ड हो चुका है। यहाँ पर यूबंटू आप ये यहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आपके लिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ये देखनी है किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन में। देखिए हमारा यहाँ पर बूट होके आ चुका है, तो यहाँ पर आपको वेलकम आ चुका है इंस्टॉलेशन ट्राई उबंटू। यदि आप ट्राई करना चाहते हैं, या आप ट्राई कर सकते हैं सबसे पहले, या फिर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उबंटू को, तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि
मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा सिंपली, क्योंकि मुझे इंस्टॉल करना है जल्दी से। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा कीबोर्ड लेआउट। आपको यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट चूज़ कर लेना है, मेरा यहाँ पर चूज़ है, मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। जैसे उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा अपडेट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर, यहाँ से आप अदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। मैं इसको चेक अनचेक कर देता हूँ। यदि आप डाउनलोड अपडेट विल बी इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के टाइम पर इसको अपडेट करना चाहते हैं तो ये चेक कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं यहाँ पर नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मैं दूसरे वाला नहीं चूज़ करूँगा, यहाँ फर्स्ट वाला ही नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर आपको क्लिक करना है और इसको भी चेक नहीं करना। चेक करना चाहते हो आप कर सकते हैं, मैं इसको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्टॉलेशन टाइप आ चुका है। इंस्टॉलेशन टाइप पर यहाँ पर इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, या तो आप डिस्क को इरेज करके उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं, समथिंग एल्स, यानी कि आप अपने टाइप से भी ये यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। पार्टीशन पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं इरेज डिस्क एंड इंस्टॉलेशन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इंस्टॉलेशन नाउ पर क्लिक कर दूँगा। इंस्टॉलेशन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक आएगा, राइट द चेंज एंड डिस्क। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वे आर यू दिखाई दे रहा है, वे आर यू पर आपको यहाँ पर लोकेशन चूज़ कर लेनी है, आपकी जो भी लोकेशन है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं चूज़ करूँगा और कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसी विंडो आएगी, हु आर यू, यहाँ पर आपको अपना योर नेम देना है, जो पीसी का आप नेम रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ पाल टैग गुरु। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा योर कंप्यूटर नेम, या आपको यहाँ पर कंप्यूटर नेम या आपके हिसाब से बिल्कुल चूज़ कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पर पिक ए यूज़र नेम, उसके बाद यहाँ पर ये पिक कर लेगा आपके यूज़र नेम को। और यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है अपना, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने इसको पासवर्ड दे दिया और यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है पासवर्ड को। यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लॉग इन ऑटोमेटिकली भी चूज़ कर सकते हैं, रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, यानी कि जिस टाइम पर आप लॉग इन करेंगे उस टाइम पर भी आप पासवर्ड को लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, सिंपली मैंने अपना पासवर्ड भी चूज़ कर लिया, रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो ये होगा यहाँ पर यूबंटू 20.04 आपकी वर्चुअल मशीन जो वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्रो है उसमें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉपिंग फाइल्स, यहाँ पर आपकी फाइल्स कॉपी हो रही है और उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आप एसएसडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 मिनट लगेगी। यदि आप कोई और सी हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना वेट करें, मैं इस वीडियो अभी तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही ये वहाँ पर इससे नेक्स्ट स्टेप आएगा तो मैं आपको वहाँ पर दिखा दूँगा किस तरीके से आपको आगे इसको रन करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे से इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर पूरा का पूरा यूबंटू वर्चुअल मशीन में। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट के बाद आपको यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। ये आपकी यूबंटू की जो वर्चुअल मशीन होगी, यहाँ पर जहाँ पर हमने इंस्टॉल वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया है, तो ये यहाँ पर रिस्टार्ट होगी और फिर से दोबारा से ओपन होगी। तो फ्रेंड जैसे ही आपकी यूबंटू की वर्चुअल मशीन में यूबंटू रिस्टार्ट होने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा, आपको यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यूबंटू का पासवर्ड दे देना है और उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है।
और उसके बाद आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारा यूबंटू इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से, और यहाँ पर आपको ग्राफिकली दिखाई दे रहा है यूबंटू के जो सभी ऑप्शंस है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करना है, नोडो नोट सेंड सिस्टम इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको प्राइवेसी भी नेक्स्ट कर देना है। यू आर रेडी टू गो, और आपको डन पर क्लिक कर देना है। आपके पास देखिए यहाँ पर हमारा यूबंटू पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ये यहाँ पर हमारा फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमारी फाइल्स है, जो हमारी फाइल्स इंस्टॉल हुई है, जैसे कि हमारे फाइल्स इन फोल्डर डायरेक्टिव होती है, और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस हैं। देखिए जैसे मैं एप्लीकेशंस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम दे रहा है, और ये हमारी एप्लीकेशंस दिखाएगा। देखिए ये हमारी एप्लीकेशंस है यहाँ पर। तो अभी के लिए मैं इसको, एप्लीकेशंस को बंद कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ टर्मिनल ओपन करके, राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ ओपन द टर्मिनल किया, और मैं आपको दिखाता हूँ यूज़र का नेम। यह हमारा यूज़र नेम आ रहा है यहाँ पर, जो पिक नेम था हमारा। ये हमारी वर्चुअल मशीन कंप्यूटर का नेम आ रहा है, जो हमारा योर कंप्यूटर नेम था। और यहाँ पर हमारे यूज़र है, देखिए ये रहे हमारे, जो हमारे मेन यूज़र है, मेन शुडो रूट यूज़र, और यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है रूट। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को यूज़ करेंगे बाद में, पर मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ हु एम आई। हु एम आई यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा आपका जो यूज़र है मशीन का, तो हमारा यूज़र क्या है, पाल कंप्यूटर का। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी, यू नेम कमांड यूज़ करता हूँ, और ए यहाँ पर आपको इसकी फुल इंफॉर्मेशन दिखा देगा, जो यूबंटू की फुल इंफॉर्मेशन होगी। देखिए यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है लिनक्स, और ये पाल वर्चुअल मशीन, और ये इसका वर्जन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ सभी चीज़ें, और कब ये इंस्टॉल हुआ, और ये कब डाउनलोड हुआ, कौन सा वर्जन है यहाँ पर, 2020 में अपडेट हुआ, और क्या इसमें, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इसको फुल इंफॉर्मेशन दे देगा आपके वर्चुअल जो यूबंटू की है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।